हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। करनाल नगर निगम को सीएम की सौगात मिली है। करनाल नगर निगम को सीएम की सौगात, 40 टिप्पर और 2 क्रेन को दिखाई हरी झंडी। 40 टिप्पर और 2 क्रेन को हरी झंडी दिखाई है। 288 पंचायतों को वाईफाई की सुविधा दी गई। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे, जिले की पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया। करनाल नगर निगम को सीएम की सौगात, इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। 40 टिप्पर और 2 क्रेन को हरी झंडी दिखाई सीएम ने। 288 पंचायतों को वाईफाई की सुविधा दी गई। आपको बता दें, करनाल को सीएम की सौगात, मनोहर सौगात, जिले की पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया। करनाल नगर निगम को सीएम की सौगात मिली है। 40 टिप्पर और 2 क्रेन को हरी झंडी दिखाई। 288 पंचायतों को वाईफाई की सुविधा दी गई। करनाल में जिले की पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया। करनाल नगर निगम को सीएम की सौगात, इस वक्त की बड़ी खबर। 40 टिप्पर और 2 क्रेन को हरी झंडी दिखाई है। 288 पंचायतों को वाईफाई की सुविधा दी गई। करनाल जिले की पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, करनाल नगर निगम को सीएम की सौगात मिली है। 40 टिप्पर और 2 क्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। 288 पंचायतों को वाईफाई की सुविधा दी गई। हमारे संवाददाता कमरजीत जुड़ गए हैं। कमर, पूरी खबर विस्तार से बताएं। कमरजीत, आवाज मिल रही है जी? पूरी खबर विस्तार से बताएं। देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल के दौरे पर थे। करनाल में मुख्यमंत्री ने कई कार्यक्रम में शिरकत की। इसी के साथ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने पहले कर्ण स्टेडियम में कार्यक्रम में शिरकत की। वहां से प्रदेश भर के जो युवा खेल कार्यक्रम जो आज से शुरू है उनको लेकर कहीं ना कहीं जिला स्तर किया गया, वहां पर उनकी शुरुआत की। उसके बाद मुख्यमंत्री 12 में पहुंचकर जो नगर निगम के 40 टिप्पर है उनको भी रवाना किया और 2 जेसीबी को भी रवाना किया। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने चिस्पाल कार्यक्रम जो वाईफाई से जोड़ा गया उसको भी अपना शुरुआत की और उसका भी उद्घाटन किया। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।